नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी जीके के सेक्शन 18 में। दोस्तों, आज हम फिर से शुरू करते हैं अपने इस रामबाण टेस्ट को और देखते हैं कि आज हमारे सामने कौन कौन से प्रश्न आते हैं जो कि इस रामबाण से हल होते हैं। लेकिन आते हैं, शुरू करते हैं अपने पहले नरिशमेंट से और थोड़ा सा नरिश हो जाते हैं, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं कि एक बात कही गई है कि अगर आप रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ना चाहते हैं, अगर आप रेत पर अपने निशान कदमों के छोड़ना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि अपने कदम को पीछे मत खींचिए, अपने कदम को पीछे मत खींचिए। ये बहुत बड़ी सीख हमें दे रहा है, साफ साफ कह रहा है कि अगर आपको रेत पर भी अपने कदमों के निशान छोड़ने हैं, कहने का मतलब कि रेत पर तो कदम के निशान नहीं छूटते हैं, ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस पर भी अगर अपने कदमों के निशान आपको छोड़ना है तो इसका एक ही उपाय है कि अपने कदम को पीछे मत खींचिए, आगे ही आगे बढ़ते चले जाइए। दोस्तों, एक तो कठिन रास्ता है, एक तो रेगिस्तान का रास्ता है जहाँ पर पानी भी अवेलेबल नहीं है, ठीक जैसे हमारी पढ़ाई है। हमें आगे ही चलते जाना है, बहुत सारी समस्याओं को, बहुत सारे संकटों का सामना करते हुए, लेकिन अपने कदम पीछे नहीं खींचना है जब तक हम मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो आइए इसी उद्देश्य के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को और शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, जो कि है दोस्तों कि भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 9 जनवरी, 4 जनवरी, 25 जनवरी या 30 जनवरी। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट सेक्शन में जरूर डाल लीजिएगा। वैसे तो सारे के सारे प्रश्न जरूरी होते हैं, लेकिन ये FAQs है, यानी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 9 जनवरी को। 9 जनवरी को दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसका रीजन यही है कि 9 जनवरी 2015 को, कब दोस्तों, 9 जनवरी 2015 को हमारे देश में एक लोग का आगमन हुआ था, वो हुआ था हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी जी का आगमन। गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था, और ये कहां से आए थे दोस्तों, ये आए थे दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से भारत में 9 जनवरी 2015 को आए थे, इसी कारण से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है उनके याद में, ठीक है दोस्तों। वहीं पर हम 4 जनवरी की अगर बात करते हैं तो 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, एक लुई ब्रेल थे, लुई ब्रेल ने क्या किया था, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। यह लिपि उनके लिए है जो देख नहीं सकते हैं, केवल छूकर ही पढ़ सकते हैं, तो छूकर महसूस कर पढ़ने के लिए जिस लिपि का आविष्कार किया था वो किया था लुई ब्रेल ने, और 4 जनवरी को ही लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। वहीं पर दोस्तों हम 25 जनवरी की बात करते हैं तो ये भी बहुत ही गौरवान्वित दिवस है, क्योंकि दोस्तों आज ही के दिन यानी 25 जनवरी के दिन ही हमें ये एहसास होता है कि हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और अन्य सांसदों का निर्वाचन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस दिन आता है मतदाता दिवस। क्या मनाया जाता है, इस दिन मनाया जाता है मतदाता दिवस। वहीं पर दोस्तों 30 जनवरी की हम बात करते हैं तो 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद हो गया होगा कि स्वतंत्र भारत में दोस्तों जो 25 जनवरी में मतदाता दिवस, तो 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मना देते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन पर दोस्तों आता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वह क्वेश्चन एक है लेकिन इसकी भी कई सारे क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रारंभ हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रारंभ हुआ था, तो यह प्रारंभ हुआ था 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम प्रारंभ हुआ था। वहीं हम विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे तो इसे कब मनाया जाता है, इसे मनाया जाता है 5 जून को, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस की अगर हम बात करें तो कब मनाते हैं, तो यह मनाते हैं दोस्तों 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो यह मनाते हैं
22 अप्रैल को, कब मनाते हैं 22 अप्रैल को मनाते हैं। और दोस्तों 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस में क्या थीम था, तो 2020 के विश्व पर्यावरण में दिवस में जो थीम था वो था वर्ल्ड फॉर नेचर। क्या था एक बार अपने से बोल लीजिए, वर्ल्ड फॉर नेचर, ये था 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस में थीम। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा और सारे डेट अच्छे से याद होते चले गए होंगे। तो फिर से एक बार अपने को नरिश करिए और आ जाइए संविधान के क्वेश्चन पर। इसमें से एक क्वेश्चन है सर जो हमेशा पूछा जाता है, और वो क्या क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है, क्या करने का, अमेंडमेंट करने का, संशोधन करने का अधिकार देता है। अगर हम दोस्तों संविधान में संशोधन की बात करेंगे तो वह अनुच्छेद कौन सा आएगा, अनुच्छेद आएगा 368। क्या आएगा, 368 संशोधन करता है। और दोस्तों यह संशोधन कहां से लिया गया है, हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, तो यह दोस्तों लिया गया है कहां से, यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। यह कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। दोस्तों संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह तीन प्रक्रिया होती है, एक सामान्य प्रक्रिया होती है, एक विशेष प्रक्रिया होती है, और एक विशेष प्रक्रिया जब राज्यों की सहमति से लिया जाए, यानी तीन प्रक्रिया से संविधान संशोधन किया जाता है दोस्तों। और संविधान संशोधन में अगर हम बात करें तो अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, यानी कुल संशोधन की हम बात करें तो अभी जो अंतिम संशोधन हुआ है वह 104वां संविधान संशोधन हुआ है। और इस 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, इस 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो एंग्लो इंडियन मनोनीत करते थे राष्ट्रपति जी के द्वारा, दो एंग्लो इंडियन के मनोनयन होता था, उसे समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हो गया होगा तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, रामायण दिया हुआ है, महाभारत दिया हुआ है, शाकुंतलम दिया हुआ है, और यजुर्वेद देता है। तो यदि सबसे बड़े महाकाव्य की हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है दोस्तों, महाभारत है। कौन सा है, महाभारत है। यदि आप महाभारत की बात करेंगे तो महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो महाभारत का प्राचीन नाम है दोस्तों जय संहिता। क्या नाम है इसका, जय संहिता इसका नाम है। और ये सबसे बड़ा महाकाव्य क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो श्लोकों की संख्या है ना, इसमें जो श्लोकों की संख्या है वह श्लोकों की संख्या है 100,000। कितना है, 100,000 है श्लोकों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर इसे हम 100,000 भी कह सकते हैं, 100,000 भी कह सकते हैं, तो 100,000 श्लोकों की संख्या है। वहीं पर हम बात करते हैं रामायण की, तो रामायण में दोस्तों रामायण के रचयिता कौन है, तो आप जानते होंगे कि रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि जी। कौन है, वाल्मीकि जी हैं। वहीं पर रामचरितमानस के जो रचयिता हैं कौन है, तुलसीदास जी हैं। तो इसके रचयिता वाल्मीकि जी हैं, और इसके अंतर्गत दोस्तों 7 कांड हैं या 7 अध्याय हैं। कितने हैं, 7 कांड या 7 अध्याय हैं। और इसमें जो श्लोकों की संख्या है वो पहले 6,000 थी, लेकिन वर्तमान में जो श्लोकों की संख्या है वो 24,000 है। कितने श्लोक हैं, 24,000 श्लोक इसके अंतर्गत है दोस्तों। ये एक महाकाव्य है, लेकिन इससे ज्यादा 100,000 श्लोक जो है वो जय संहिता अर्थात महाभारत में है। वहीं पर फिर हम बात करते हैं शाकुंतलम की, तो दोस्तों जो शाकुंतलम है, इस शाकुंतलम किसकी रचना है, यह रचना है, यह रचना है महाकवि कालिदास जी की। किसकी है, कालिदास की रचना है। वहीं पर हम यजुर्वेद की बात करते हैं दोस्तों, तो 4 वेद हैं, एक ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, और यजुर्वेद है। तो दोस्तों यजुर्वेद उन चारों में से क्या है, एक वेद है। तो यहां तक अगर क्लियर हो गया होगा तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, कौटिल्य ने, या गौतम बुद्ध ने बनवाया था। तो दोस्तों देखिए गौतम बुद्ध तो बनवा नहीं सकते हैं सांची का स्तूप, क्योंकि इस स्तूप के अंदर गौतम बुद्ध जी के अस्थियों को ही रखा गया है, तो जाहिर सी बात है अब ये तो बनवा नहीं है। तो अब दोस्तों कौन बनवा सकता है, चंद्रगुप्त, अशोक,
या कौटिल्य। तो दोस्तों जो सबसे सम्राट जो अशोक है, जो बाद में महान अशोक भी कहलाया था, यही दोस्तों किया था सांची के स्तूप का निर्माण। अब हम दोस्तों कुछ बात ध्यान दीजिएगा, जो आप बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म में कुछ शब्द आपको मिलेंगे, जैसे आपको मिलेगा कहीं कहीं मिलेगा चैत्य मिलेगा, कहीं कहीं आपको मिलेगा विहार मिलेगा, और कहीं कहीं आपको मिलेगा स्तूप मिलेगा, ठीक है, और कहीं कहीं आपको मिलेगा मठ मिलेगा, ठीक है। तो अगर इन शब्दों को आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ दोस्तों जो चैत्य होता है ना, यह चैत्य जो है वह बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल होता है। क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल होता है, जिसे हम चैत्य कहते हैं। वहीं पर जो यात्रा के दौरान बनाए गए घर होते हैं, किसके दौरान? यात्रा के दौरान जो बनाए घर होते हैं उसे कहते हैं, यात्रा के दौरान बनाए गए जो घर होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ही विहार कहते हैं। और स्तूप दोस्तों क्या है? स्तूप में इसमें गौतम बुद्ध जी के अस्थियों का क्या है? इसमें गौतम बुद्ध जी के अस्थियों का, अस्थियों को, जो अस्थियां हैं उसे आठ भागों में बांटा गया था, आठ भागों में बांटा गया था और आठ जगह पर रखा गया था, एक गोलाकार गुंबद बनाकर, पत्थर के गोलाकार गुंबद बनाकर, जिन्हें हम स्तूप कहते हैं। और ये आठों स्तूप में से एक प्रमुख स्तूप है जिसे हम कहते हैं सांची का स्तूप। और ये सांची का स्तूप कहाँ है? ये सांची का स्तूप है दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेन में। अगर हम स्तूपों की बात करते हैं दोस्तों तो ये है सांची का स्तूप, और इसे हमने कहा कि ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन में है। अब कुछ और महत्वपूर्ण स्तूपों की बात करते हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ है। इसमें एक है धामेक स्तूप या चौखंडी का स्तूप। ये जो धामेक स्तूप या चौखंडी का स्तूप है ये कहां पर है? ये है सारनाथ, ये और सारनाथ में है। वहीं अमरावती, अमरावती अ से, अमरावती अ से आंध्र प्रदेश में आप चले जाइए तो अमरावती के, अमरावती स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। वहीं जो भरहुत स्तूप है वह मध्य प्रदेश के सतना में है, और जो महाबोधि स्तूप है वह बिहार के गया में है। तो हम इसे अच्छे से याद कर लीजिए, महाबोधि कहाँ होगा? जाहिर से बात है जहाँ पर उनको बोध प्राप्त हो गया, बोध मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? गया में प्राप्त हुआ। तो महाबोधि स्तूप कहाँ होगा? महाबोधि स्तूप गया में। वहीं अमरावती आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कहां? गुंटूर में। अब मध्य प्रदेश में दो हैं, इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। कभी कदार ऑप्शन में मध्य प्रदेश न देकर जगह का नाम दे देता है, जैसे सांची का स्तूप भी दोस्तों कहां है? मध्य प्रदेश में, लेकिन ये रायसेन याद करिएगा। वहीं दूसरा पर दोस्तों जो भरहुत स्तूप है वह भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसका सतना भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इस आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हो गया है तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो ये प्रश्न बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है, और वह क्वेश्चन क्या है? वह क्वेश्चन है कि इब्ने बतूता बगल में जूता, जो आप गाना सुने होंगे, तो इब्ने बतूता नामक अफ्रीकी यात्री, इब्ने बतूता नाम का अफ्रीकी यात्री शासक के समय भारत आया, मतलब किस शासक के समय भारत आया हुआ था? तो दोस्तों यह आया हुआ था किसके समय? यह आया हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे दोस्तों हम लोग रक्त पिपासु भी कहते हैं, क्या जानते हैं? रक्त पिपासु के नाम से भी इसे संबोधित कहा जाता है, और कुछ ने तो इसे पागल सुल्तान भी कहा है। क्या कहा है? पागल सुल्तान भी कहा है, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है इतना ज्यादा ज्ञानी था, मतलब कई सारे लैंग्वेजेस को जानता था, बहुत अधिक पढ़ाई करता था, पढ़ाई किया हुआ था, ये जो भी बोलता था वो जनता को नहीं समझ में आता था, और जनता जो बोलती थी वो इसको समझ में नहीं आता था। तो ये डिसीजन तो लेता था, लेकिन ये अपने जिंदगी में 5 डिसीजन लिया, और वह सभी के सभी डिसीजन क्या हो गए? फेल हो गए। सभी के सभी डिसीजन फेल हो गए थे दोस्तों। उसी में एक डिसीजन ये भी था कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी करनी, या दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन करने का फैसला लिया था, और साथ ही साथ इसने तांबे या जीतल के सिक्के चलाने की भी बात किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन आया था? इब्ने बतूता आया हुआ था। अगर आप इब्ने बतूता की बात करते हैं दोस्तों, तो इब्ने बतूता ही एक था जिसको बात मोहम्मद बिन तुगलक की समझ में आती थी, इसीलिए इनके बीच बहुत अच्छी पटती थी। तो इब्ने बतूता को उसने काजी नियुक्त कर दिया था। क्या नियुक्त कर दिया था? काजी नियुक्त कर दिया था। तो काजी के नाम तो सुने होंगे,
जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो काजी क्या होता है, काजी का मतलब होता है कि मुस्लिम धर्म में जो न्यायाधीश होते थे, जो फैसला सुनाते थे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, काजी कहते हैं। यानी काजी का मतलब क्या होता है, न्यायाधीश होता है। ठीक है, कई शब्द आप लोगों ने सुना होगा, काजी सुना होगा, हाजी सुना होगा, गाजी सुना होगा। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, काजी का मतलब होता है न्यायाधीश। गाजी उसे कहते हैं जो काफिरों का अंत करने वाला होता है, काफिरों का अंत करने वाला होता है। और काफिर का मतलब क्या होता है, काफिर का मतलब होता है गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम यानी मुस्लिम धर्म को छोड़कर जितने भी लोग हैं उन्हें काफिर कहा गया है। और काफिरों का जो अंत करने वाला होता है उसे गाजी का टाइटल दिया था। और ये गाजी का टाइटल किसने लिया था, ये सबसे पहले महमूद गजनवी ने लिया था, उसके बाद दोस्तों बाबर ने लिया था, है ना, और कई लोगों ने ये गाजी का टाइटल लिया था। तो काजी है, गाजी है, और एक हाजी होता है। हाजी का मतलब जो व्यक्ति हज करने जाता है मक्का और मदीना, तो वहाँ पर हज करने के उपरांत जब भारत में आता है या अपने घर को जाता है तो उसके नाम के आगे हाजी का टाइटल लग जाता है। तो यहाँ भी समझ गए होंगे काजी क्या है, गाजी क्या है और हाजी क्या है। खैर, हम यहाँ बात करते हैं इब्न बतूता की। जब इब्न बतूता की दोस्तों बात करेंगे तो इब्न बतूता ने अपनी एक पुस्तक लिखा था, और उस पुस्तक का नाम क्या था, उसकी पुस्तक का नाम था रहला। क्या नाम था उसके का, उस पुस्तक का नाम था रहला। और रहला पुस्तक में ही उसने कहा था कि भारत और मोरक्को के बीच में, मोरक्को कहाँ है, जाहिर से बात है कि दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका में है। तो क्या है कि मोरक्को और दिल्ली के बीच में बहुत ही अच्छा व्यापार संबंध था, और मोहम्मद बिन तुगलक पूरे भारत पे ही साम्राज्य करता था, पूरे भारत में उसका शासन था। और ये भी कहा था कि दिल्ली सबसे संपन्न शहर है, दिल्ली सबसे संपन्न स्थान है। ये बात उसने कहा था अपनी पुस्तक रहला में कहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर अगर आप जान गए कि इसकी पुस्तक रहला है तो हम ये भी जान जाते हैं कि हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री आया था, क्या नाम था उसका, उसका नाम था वेन सांग। क्या नाम था उसका, वेन सांग नाम था, वेन सांग नाम था। और इस वेन सांग की एक पुस्तक की थी, उस पुस्तक का नाम जल्दी से बता दीजिए क्या था। उस पुस्तक का नाम था दोस्तों सी यू की। क्या नाम था इसकी पुस्तक का, सी यू की। इस सी यू की पुस्तक में उसने अपनी यात्रा का पूरा वृत्तांत लिखा हुआ है। वहीं पर दोस्तों अशोक के बारे में तो आप अच्छे से ही जानते होंगे कि सर्वनाम प्रिय देवनाम प्रिय देवनाम प्रिय दस्सी अशोक चंड चंड अशोका अशोक वर्धना। अशोक अर्थात सम्राट अशोक, ये सब अशोक का ही नाम था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो आया हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जिस हम दार्शनिक की बात करते हैं, वह दार्शनिक कौन था, तो वह दार्शनिक था मेगस्थनीज, जिसकी पुस्तक कौन थी, इंडिका थी, जिसकी पुस्तक इंडिका थी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया है तो चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। पथ प्रदर्शक का मतलब गोरिल्ला युद्ध को भारत में लाने वाले, गोरिल्ला युद्ध से हमारा परिचय कराने वाले कौन थे। तो गोरिल्ला युद्ध से परिचय कराने वाले हमारे कौन थे, ये थे हमारे छत्रपति शिवाजी। कौन थे, छत्रपति शिवाजी दोस्तों थे। और ये जो छत्रपति शिवाजी हैं, इनके पिताजी का नाम क्या था, शाहजी था। इनके माताजी का नाम जीजाबाई था दोस्तों। और ये पहले छत्रपति थे, इनकी 8 पत्नियां थी दोस्तों, इनकी 8 पत्नियां थी। और ये पहले छत्रपति थे, इन्होंने मुगल शासकों के नाक में दम करके रख दिया था। ठीक है दोस्तों, और अब गोरिल्ला युद्ध की बात करते हैं। तो ये देखिए गोरिल्ला युद्ध में क्या कर रहे हैं, ये इस तरीके से एकदम छिप जाते थे जंगलों में, झाड़ियों के बीच में क्या होते थे, छिप जाते थे, इनको कोई देख नहीं पाता था। उसके बाद जो भी सेना की टुकड़ी जा रही होती है, पीछे से अटैक करके पता चला कि 50 सैनिक जा रहे हैं, पीछे से 5 सैनिक मार दिए। फिर आगे चल रहे हैं तो कहीं से अचानक से अटैक हो गया, और अटैक होने के बाद कुछ और सैनिक इसी तरीके से गायब हो गए। मतलब ये युद्ध होता था, ये क्या होता था, गोरिल्ला युद्ध होता था। और इसका ये जो गोरिल्ला शब्द है, यह जो गोरिल्ला शब्द है, ये स्पैनिश शब्द है। एक्चुअली में कहां से आया है, ये स्पैनिश शब्द है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया यहां पर गोरिल्ला युद्ध के बारे में। और गोरिल्ला युद्ध में ऑप्शन अगर औरंगजेब को कहते हैं दोस्तों, तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है, इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही कट्टर शासक था औरंगजेब। औरंगजेब की कब हुई थी, इसकी डेथ हुई थी
1907 में। वहीं पर अकबर की हम बात करते हैं तो आप जानते ही हैं कि मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, इनका पूरा नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन, और इनके संरक्षक हमेशा पूछता है दोस्तों, तो इसका संरक्षक याद रखेगा, इनके संरक्षक थे बैरम खां, इसके संरक्षक थे बैरम खां। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बैरम खां किस संप्रदाय के हैं, बैरम खां सिया संप्रदाय के हैं, क्योंकि बैरम खां जो है वो हमीदा बानो के भाई रहते हैं, और हमीदा बानो कौन है, हुमायूं की पत्नी रहती है, और हुमायूं जो है, हुमायूं वह सिया संप्रदाय की हमीदा बानो से विवाह किया था। खैर आगे की बात चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। जब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में, गंगा के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण ही इसे सुंदर वन कहा जाता है। दोस्तों आप सुंदर वन की बात करते हैं, और हम जानते हैं ये जो सुंदर वन है, यह सुंदर वन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक पेड़ है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। दोस्तों ये जो पेड़ है जो इस एरिया में, सुंदर एरिया में यह पेड़ सबसे ज्यादा पाया जाता है, वह पेड़ कौन सा है, वह पेड़ है सुंदरी पेड़। कौन सा पेड़ है, सुंदरी पेड़ है। इसी सुंदरी पेड़ के कारण ही, इसी सुंदरी पेड़ के कारण ही इसे सुंदर वन कहा जाता है। और दोस्तों ये जो सुंदर वन है, यह सुंदर वन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदर वन डेल्टा है, और यहीं पर है दोस्तों सुंदर वन नेशनल पार्क, और ये सुंदर वन नेशनल पार्क यूनेस्को के हेरिटेज में भी शामिल है। ठीक है, ये यूनेस्को के हेरिटेज में भी दोस्तों शामिल है। वहीं पर आते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। जब अगले क्वेश्चन पर आएंगे तो आएगा कि सौराष्ट्र में स्थित एक झील है जिसका नाम है सुदर्शन झील, उस सुदर्शन झील को किसने बनवाया था, उस सुदर्शन झील को किसने बनवाया था। दोस्तों यह है सुदर्शन झील, और इस सुदर्शन झील की अगर हम बात करेंगे तो यह जो सुदर्शन झील है यह स्थित है गुजरात के गिरनार में। कहां स्थित है, गुजरात के गिरनार में स्थित है। इसका निर्माण सबसे पहले करवाया था पुष्यगुप्त वैश्य ने, किसने, पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था, और ये दोस्तों राम, ये जो चंद्रगुप्त का राज्यपाल था, सबसे पहले इसका निर्माण यही करवाया था, फिर इसमें थोड़ा टूट फूट हो गया, खराबी हो गई थी, तो दोस्तों दोबारा इसका निर्माण करवाया था तुशास्य ने, और ये तुशास्य कौन था, ये अशोक का महात्य था। ठीक है, अब फिर इसके ऊपर एक बांध बनवाया था, और बांध किसने बनवाया था, बांध बनवाया था स्कंद गुप्त ने। ठीक है दोस्तों, इसीलिए सौराष्ट्र में स्थित सुदर्शन झील पर बांध किसके द्वारा बनवाया गया था, तो स्कंद गुप्त के द्वारा बनवाया गया था। इसका मतलब कौन हो गया, गुप्तों के द्वारा, और गुप्तों में दोस्तों उनका नाम याद रखिएगा, किसके द्वारा, स्कंद गुप्त के द्वारा बांध बनवाया गया था। ठीक है, बांध बनवाया गया था। तो आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन एक प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर का मतलब डायरेक्ट टैक्स है, कौन है, डायरेक्ट टैक्स है। तो दोस्तों जब टैक्स की बात करते हैं, कर की बात करते हैं, तो दो प्रकार के कर होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर, यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि वह कर जिससे जिसका व्यक्ति के पॉकेट पर सीधा असर पड़ता है। ठीक है, यानी उसे सीधे व्यक्ति से लिया जाता है, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, जिससे उस वह इनकम कमा रहा है, वह अपने इनकम में से पैसा काट के आपको दे दिया, ठीक है, सरकार को दे दिया, तो वो क्या हो गया, इनकम टैक्स हो गया, आयकर हो गया। सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि साहब मैंने तो 1,00,000 रुपया कमाया था और आपको सीधे 2,000 रुपया हमने दे दिया, अब ये तो मेरा इनकम टैक्स में चला गया, अब क्या होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि अरे अब तो मेरे पास 95,000 रुपया बचा है, यानी सीधा सीधा आपके पॉकेट पे असर पड़ेगा, तो ये डायरेक्ट असर पड़ने के कारण ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आपसे लिया जरूर जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट लिया जाएगा, घूम फिर कर आपको पता नहीं चलेगा, आप सीधे नहीं देंगे लेकिन फिर भी आप पे करेंगे, जैसे आप सामान बेचेंगे उस पर या सर्विस प्रोवाइड होगा उस पर। ठीक है, गुड्स और सर्विस पर, जिससे गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST भी हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर फिर से हम बात करते हैं कि ये जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कौन कौन से, तो बड़ा आसान सा ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है, हमारे कुंभ की शान की ट्रिक है। किसकी ट्रिक है, कुंभ की शान, और कुंभ की शान से देखिए कि कुंभ की स्पेलिंग KUMB, के से क्या होगा, कृषि कर, यू से उपहार कर, एम से मृत्यु कर, बी से भू राजस्व कर, की को साइलेंट कर दीजिए, और शान में
ये एस से संपत्ति कर, ए से आय कर और एन से निगम कर। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब है डायरेक्ट टैक्स। क्या है? डायरेक्ट। क्यू एक्सक्यूज मी, जरा रुकिए, अगर इनडायरेक्ट टैक्स जानना है तो याद रखिए एक्सक्यूज मी, ठीक है? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज में ई एक्स से आपका हो जाएगा एक्साइज, और सी यू से हो जाएगा कस्टम, एम से हो जाएगा मनोरंजन, ई से हो जाएगा इंटरटेनमेंट, ठीक है? ई से क्या हो जाएगा? इंटरटेनमेंट, और एम से हो जाएगा मार्केटिंग। तो ये आपको याद रहेगा दोस्तों। अगर याद रहेगा तो फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, सबसे बड़ा न्यायालय। इस सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश हों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों या न्यायाधीश हों, इनकी नियुक्ति करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति जी, और वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। रामनाथ कोविंद जी हैं जिसका वर्णन राष्ट्रपति का आर्टिकल 15 में है। किसमें है? सॉरी, आर्टिकल 52 में है। आर्टिकल 52 में इनके बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति वर्तमान में, अगर हम CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, तो वो कौन है दोस्तों? वो है SA बोबड़े। कौन है? SA बोबड़े हैं, SA बोबड़े हैं। और दोस्तों हमारे देश के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों वो है हीरालाल जेकानिया या एच जे कानिया। ये हमारे देश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं दोस्तों। तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं WHO यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों ज्यादातर जो W वाले होते हैं ना, उनका मुख्यालय हमेशा जिनेवा में होता है। कहाँ होता है? जिनेवा में होता है। W वाले WHO होता है, WMO होता है, WTO होता है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये सब के मुख्यालय कहाँ पर हैं? जिनेवा में है। कहाँ पर हैं? जिनेवा में है। वहीं पर अगर वाशिंगटन की बात करेंगे दोस्तों, तो वाशिंगटन में जिसका मुख्यालय है वह कौन है? वह है UNO। UNO का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है, ठीक है। वहीं पर पेरिस की बात करेंगे तो पेरिस में दोस्तों है यूनेस्को का मुख्यालय। कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे तो क्वेश्चन है कि DNA का प्रथम बार संश्लेषण किसने किया था? DNA का प्रथम बार संश्लेषण किसने किया था? तो DNA का सबसे पहले संश्लेषण किया था दोस्तों वॉटसन और क्रिक ने। और वॉटसन और क्रिक ने इनका संश्लेषण किया था, इसी कारण से इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और ये नोबेल पुरस्कार उन्हें कब मिला था? 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। और वहीं पर दोस्तों जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है ना, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बताया था कि इस DNA में न्यूक्लियोटाइड होता है, यानी न्यूक्लियोटाइड का किया था के बारे में बताया था। तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में किसने बताया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बताया। इसी कारण से दोस्तों डॉक्टर हरगोविंद खुराना को भी नोबेल का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 में मिला था। अब थोड़ा सा आप जिक्र कर लीजिए अगर DNA का, तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं आपके अंदर क्या होता है। आपके अंदर सेल होता होगा ना, कोशिका होता है। कोशिका के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। अब उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है दोस्तों? क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। अब इस क्रोमोसोम के हम मानते हैं कि हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 जोड़ा होते हैं। जरा जोड़े को देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये बीच में से काट दीजिए। इधर वाला क्या है? एक जोड़ा है, और इधर वाला एक है, और इधर वाला एक है, यानी ये क्या हो गया? एक जोड़ा हो गया, है ना? हमेशा क्या होता है? एक जोड़ा होता है। इसी तरीके से 23 जोड़े होते हैं, ठीक है।
अब ये जो क्रोमोसोम है ना, इस क्रोमोसोम का ये वाला हिस्सा उठा लीजिए, इधर वाला हिस्सा उठा लीजिए, और इधर वाले हिस्से को उठा के जरा सा बड़ा करिए, इसको खींचिए। देखिए इसको हमने खींच के ऐसे बड़ा किया, यहाँ तक जब इसको बड़ा करेंगे तो अब ऊपर की जो लेयर है इसको सुपर कॉयल्स बोलते हैं, खैर इसको मत याद करिए। फिर इसको थोड़ा और खींचिए और खींचिए, जब और खींचेंगे तो ये छोटे 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 दाने आपको मिलेंगे, ये दाने क्या कहलाते हैं, स्टोन्स कहलाते हैं। खैर अब इसी के अंदर दोस्तों ये जो रेखाएं दिखाई दे रही है ना, ये नीली नीली, इन रेखाओं को खींचिए, फिर क्या करिए इसको खींचिए। जब इसको खींच कैसे बड़ा करेंगे ना स्प्रिंग के जैसा, तो स्प्रिंग के जैसा बड़ा करेंगे तो ये डीएनए का डबल हेलिक्स आ जाएगा, यानी ऐसे 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 एक इधर वाला एक इधर वाला, ये डीएनए का डबल हेलिक्स आ जाएगा। यही क्या है, तो यही क्या है, डीएनए है। ये क्या है, डीएनए है। ये कहाँ मिलेगा, क्रोमोसोम में मिलेगा, है ना, क्रोमोसोम में डीएनए मिल गया। अब डीएनए को थोड़ा सा और ऐसे बढ़ा दीजिए, तो देखिए यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक का ये जो एरिया है इसको बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, जीन बोलते हैं। अब इसी में देखेंगे कि ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये जो ब्लू वाली लाइन है ऐसे 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 जा रहा है, इसी को कहते न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और इसी की खोज किसने किया था, इसका संश्लेषण किसने किया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर डीएनए, डीएनए को आप देख लीजिए क्रोमोसोम्स, इसको दोस्तों खींचेंगे 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 तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा डीएनए डबल हेलिक्स, यानी द्विगुड़ी, द्वि कुंडली होंगे, दो दो कुंडली होंगे, से एक इधर से जाएगा। इसको और थोड़ा बड़ा करेंगे तो यहाँ पर, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, इसमें क्या होते हैं, जीन होते हैं। और इसकी ये जो ये एरिया है जिससे ये डबल हेलिक्स में से एक हेलिक्स है, ये क्या होता है, न्यूक्लिड होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम जानते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए में हेलिक्स जो होगा वो एक ही होता है, दो नहीं होता है, ठीक है, एक ही होता है दो नहीं होता है। तो फिर दोस्तों हम आगे चलते हैं, ये डीएनए क्या होता है, हमारे सभी जो अनुवांशिक चीजें हैं वो हमारी अगली पीढ़ी में लेके जाता है, यानी एक कोडिंग होता है इसके अंदर। कोडिंग ये होता है कि मैं जो हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने में थोड़ा सा एक्सपर्ट हूँ, मेरे अंदर ऐसा कुछ है तो मेरे बच्चे के अंदर भी थोड़ा सा ऐसा चला जाए। लेकिन अब ये मत समझ लीजिए कि मेरे बच्चे के अंदर चला जाएगा तो मेरा बच्चा जो है पैदा होता ही शुरू कर देगा कि देखो डीएनए ये होता है, इसके अंदर ऐसा होता है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। डीएनए में मूल कोडिंग होती है। मूल कोडिंग का मतलब क्या होता है कि कैसे कौन चीज कहाँ पर होना चाहिए, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम डीएनए जब पढ़ाएंगे तो उसमें उसको पूरा क्लियर करेंगे क्या और क्या क्या चीजें और क्या होती हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं और अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि किस देश की मुद्रा का नाम दिरहम है, किस देश की मुद्रा का नाम दिरहम है, वो है लाओस, वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की। तो आई थिंक इसका जवाब आप लोग जरूर दे देंगे, तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक। अब थोड़ा सा हम रिविजन की ओर आते हैं और शुरू करते हैं अपने रिवीजन से। तो पहला क्वेश्चन था कि प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, वहीं 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस, 25 जनवरी को मतदाता दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन था हमारा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रारंभ हुआ, तो 19 नवंबर 1986 को हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और 2020 का थीम था वर्ल्ड फॉर नेचर। वहीं अगला क्वेश्चन था कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है, 368, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। वहीं पर अगला क्वेश्चन था कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है जय संहिता, जिसमें 1,00,000 श्लोक है, यानी कि कौन है, महाभारत है। और दोस्तों रामायण है, रामायण की रचना किसने किया था, वाल्मीकि जी ने किया था, शाकुंतलम के कालिदास ने किया था, और 4 वेदों में से एक यजुर्वेद है। वहीं पर दोस्तों हम लोग बात किए थे सांची के स्तूप, किसकी सांची के स्तूप को किसने बनवाया था, तो इसे बनवाया था अशोक ने, और कुछ स्तूप बात किया था जिसमें था धार्मिक स्तूप सारनाथ में, अमरावती आंध्र प्रदेश में, बरहुत जो है मध्य प्रदेश के सतना में, और महाबोधि गया बिहार में था। वहीं पर चलते हैं, इब्ने बतूता नामक अफ्रीकी यात्री भारत में किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था रक्त पिपासु या पागल सुल्तान या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया हुआ था, जिसका दूसरा नाम जौना खान भी था और जिसके नाम पर जौनपुर की स्थापना भी हुई। वहीं पर आते हैं फिर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के समय हेमंत सांग
आया हुआ था चीनी यात्री जिसने अपनी किताब सी यू की लिखा हुआ था। और फिर अगला क्वेश्चन था कि गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन थे, ये शिवाजी थे, जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है और बैरम खान अकबर के संरक्षक थे। उसके बाद सुंदरवन डेल्टा जो है या जो सुंदरवन है इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है और सुंदरवन जो पार्क है उसे नेशनल हेरिटेज में भी शामिल कर दिया गया है। जो सौराष्ट्र में स्थित सुदर्शन झील है उसे किसने बनवाया था, तो सौराष्ट्र झील के बारे में हमने बताया था कि ये जो है दोस्तों निर्माण तो इसने करवाया था पुष्यगुप्त वैश्य ने, पुनः निर्माण करवाया था तुसास्य ने, लेकिन इस पर बांध बनवाया था स्कंद गुप्त ने। किसने? स्कंद गुप्त ने। तो बांध बनवाया था गुप्तों के द्वारा, और गुप्तों में स्कंद गुप्त की बात आई थी। फिर बात आया था कि कौन सा एक कर जो है वह डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, इसमें हमने आपको जवाब नहीं दिया था, तो देखिए डायरेक्ट टैक्स नहीं है, यह बात कर रहा है आयकर। अभी आया था, हमने बताया था आयकर, संपत्ति कर और भू शुल्क। देखिए यहां पर जरा ध्यान से, ये जो प्रैक्टिस हमने कराया था, देखिए भू शुल्क आया, भू राजस्व आया, आय आया, संपत्ति आया, ये आ रहा है ट्रिक में आ रहा है। तो क्या नहीं आ रहा है? बिक्री कर नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा? बिक्री कर हो जाएगा। वहीं पर किस देश की मुद्रा का नाम दिरहम है, इसका जवाब आपको देना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, यह करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो ये कहाँ है, जिनेवा में है। और फिर दोस्तों अगला और लास्ट क्वेश्चन था कि डीएनए का प्रथम बार संश्लेषण किसने किया था, ये किया था वॉटसन और क्रिक ने, इसीलिए इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक यहाँ तक का आपका सेशन आपको अच्छे से याद हो चुका होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे आएंगे, लेकिन पिछले सारे शस्त्रों को तैयार करते हुए आगे नए प्रश्नों के साथ आपसे जरूर मिलेंगे। वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।